तो चलिए देखिए क्या बना रही हूँ मैं इस समय। मैं बना रही हूँ पुलाव और बना रही हूँ खुशक सब्जी। तो पुलाव बनाने के आज मैं आपको खुशक सब्जी की नहीं, खाली पुलाव की रेसिपी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और गरम मसाला, साबुत खड़ा मसाला। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ और भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। देखिए इस तरह से प्याज डाल दी मैंने। प्याज मैंने मोटी काटी है, आप लोग देख रहे होंगे ना कि ये ज़्यादा बारीक नहीं है, तो बारीक नहीं काटी है, मोटी काटी है, थोड़ी सी बारीक काटी है। वो भी अभी थोड़ी सी इसको मैं कर लूँ तो उसके बाद डालेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने ये भी डाल दी। वो जब थोड़ी हल्की सी ब्राउन हुई तब मैंने ये दूसरी वाली भी डाल दी। दूसरी वाली के साथ जब ये ज़्यादा ब्राउन होगी तो पुलाव का कलर बहुत बढ़िया आएगा। आप लोग इस तरह से बना कर देखिए तो बहुत अच्छी बनेगी, आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा, बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने भून लिया है। भूनने के बाद जब ये काफ़ी हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए हैं देखिए चावल, और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो आप लोगों को पता है लाल मिर्च, नमक, गरम मसाले और थोड़ा सा सौंफ और धनिया पिसा हुआ डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम इसे बना लेंगे और ढक के रख देंगे। देखिए मैं तो खुला हुआ ही बनाती हूँ, तो इस तरह से तैयार हो जाएगा ये स्लो गैस पे। ये देखिए बन के तैयार। ये बारिश होने लगी हम लोगों के ऑटो में बैठते ही। ये देखिए ये जो बूंदे गिर रही है ना, इस समय दिखाई नहीं दे रही लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एकदम से आई है फटाफट फटाफट, हम वापस भी नहीं जा सकते। और ये हम पहुंच गए हैं मॉल। देखिए ये विशाल मेगा मार्ट है, नया खुला है, वरना तो बहुत दूर जाना पड़ता था बच्चों का। इधर अभी हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो ये देखो ये छुए ना, देखेंगे बच्चों के कपड़े। तो सिया के लिए, सिया के मतलब देखेंगे हम लोग। ये हम जा रहे हैं, देखो बच्चों के कलेक्शन में ये है छोटे बच्चों के कपड़े। यहाँ से सिया के लिए कपड़े दो फ्रॉक, ये शाइनिंग वाले और ये जो होते हैं ना, ये अच्छा लग रहा है। की प्रिया ने मना कर दिया, एक ही अच्छा लग रहा है। तो ये लेंगे इस टाइप के हैं, ज्यादा वैरायटी तो दिख रही है। पजामे वाले हैं, गुलाब कोई सा बड़ा है, ये नहीं ले रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ स्कर्ट वाला ले, शिवांगी को स्कर्ट वाले बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चल देखे स्कर्ट वाले देख लें। और अब हम जा रहे हैं देखिए ऊपर, ऊपर जाके मन्नू के और हन्नी के लिए टी शर्ट, और टी शर्ट के साथ निकर या जींस के लिए जो भी अच्छा लगेगा। इस तरह तो बड़ा बच्चों का है यहाँ पर भी, और इन लोगों ने भी अपने एसी बंद कर रखे हैं, ऊपर होगा ऊपर। यहाँ भी बहुत गर्मी, किचन वेयर भी तो ऊपर है ना, बता रहे हैं हम लोग। ये देखो एक टोकरी ये रखी है, देख रहे हैं हम लोग। देखिए चीटिंग नहीं होगी, काफी वैरायटी है, लेकिन ये है कि उतना जो मन पसंद है ना, एकदम पसंद आ जाता है कि देख के ये ले लो, वो चीज़ नहीं। मनु धीरे से उतरना रुको, पहले मम्मी को उतरने दो। तो मनु खिलौने की शॉप की तरफ भागा है जहाँ खिलौने लगे हुए हैं। इसने अपने लिए खिलौने पसंद किए हैं, खिलौने देख रहा है, देखिए वो खा लिए इसने। मनु लाइन में लगा, हम लोग जो है अब बिल करवा रहे हैं। बिल करा के हम जाए सामान के लिए शॉर्ट में खा रहे हैं, तो सुबह घर जा रहे हैं। घर जाके मैं आप लोगों को हम लोगों ने, समय बारिश नहीं है लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, मौसम अच्छा नहीं है। ये देखिए भीड़ बहुत है, पता नहीं आजकल मुझे लगता है रक्षाबंधन की वजह से ना लोग बाहर निकले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हमने भी सीधा और कतराया घर का, घर पर जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं घर। और चलिए अब हम पहुंच गए घर, अब मैं चढ़ रही हूँ जीने में, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। मन्नू सेठ, मन्नू सेठ देखो केला खाने के लिए लाओ, मुझे दिखाओ केले के साथ क्या क्या कर रहे हैं ये। इससे केला नहीं छिल रहा है, ये लो छिल गया, छीलो इसको, दिखाओ कैसे छील रहे हो। ये देखो कैसे नाच रहा है, एक जगह रखो, सिंक में फेंकने जा रहा है ये। और ये इसके खिलौने पड़े हुए, कितने सत्यानाश लगाया है इन्हें, अभी मेरे साथ मॉल से लेके आए। देखो बहुत जिद करता वहाँ जाके फैल जाता है कि खिलौना दिलाओ खिलौना दिलाओ, तो दिलवाया फिर इसको। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये पतीली लाई हूँ मैं, और 99 रुपये की लगी हुई थी विशाल मेगा मार्ट में। तो एक मैंने ये ली है, दो पतीलियाँ ली हैं। तो वो जो है रक्षाबंधन पे ना लड़कियों को देने के लिए सही रहती है, मैंने कि याद रहेगी बच्चों को, इसमें मिठाई भर के और ये वाली पतीलियाँ दे दो।
ये दोनों पतीली तो मैंने आपको दिखा दी, और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, पहले मैं चश्मा लगा लूँ नहीं तो फिर मेरे सिर में दर्द हो जाता है। ये देखो मन्नू के कपड़े, मन्नू दिखा दें, ये बॉल लाया मन्नू। अब ये देखो मन्नू के कपड़े, ये मन्नू की टी शर्ट है ना, ये मन्नू ने शॉपिंग की है अपने लिए। तो ये मन्नू का निक्कर है ना, निक्कर पे देखो टेप लगी हुई, इस पर लिखा है नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। ये निक्कर है इसका, हौजरी के कपड़े हैं ये। और ये देखो ये शिवांगी ने लिए हैं, और क्या लाए सिया के लिए क्या लाए वो दिखा दें। ये हन्नी के और मन्नू के सेम कपड़े हैं, ठीक है। और ये है, रुको रुको दिखाने तो दो पहले, अच्छा चश्मा देखो। ये तो है हन्नी का चश्मा, दिखाओ। ये देखो ये सिया की स्कर्ट है, और ये इस स्कर्ट के ऊपर टॉप है, ये टॉप है। तो सिया के कपड़े हम लाए हैं, इधर से आके दिखा दो, इधर से दिखाओ, इधर से आके दिखाओ। ये इसका, और ये भी स्कर्ट है इसकी, ये लगा हुआ है स्कर्ट पर इस तरह से है। ये देखिए कैसी लग रही, गिरी जा रही है मेरे हाथ से। तो ये स्कर्ट है सिया की, है ना। दो स्कर्ट तो लाई हूँ, क्योंकि ये हम लाए हैं इसलिए कल है सिया का मुंडन, तो सिया का मुंडन है तो उसमें देने हैं। और अब बोलो, आप बोल लो पहले, इसकी सुन लो पहले, बोलो चम्मा इनका चम्मा देखो। तो चश्मे पे से अभी टैग नहीं छूटा है, और चश्मा उल्टा लगाया हुआ है, चश्मा सीधा करके लगाओ, ऐसे करके लगाओ भैया। ये इनके पापा लेके आए, आप झूठ बोल रहे हो, मन्नू कोई और लाया है, बता दो सही सही कौन लाया। हाँ ये देखो सही लग रहा है मन्नू, मन्नू सही लग रहा है भाई चश्मा में, जरा सा डांस भी करके दिखा दे भाई चश्मा में, देखो ये देखो ये देखो, पागल हो गया है बिल्कुल मन्नू, पागल हो गए। क्या गिराया, ये एक हाउस भी लेके आया है अपना, और हनी के लिए हॉकी स्टिक लेके आया है, वो पड़े हैं सब उस पर, लेकिन खोल लिए इसने सारी चीज़ें। और ये हनी का चश्मा है, इसका येलो कलर का चश्मा है, येलो कपड़ा, येलो वाला कांगी, अभी शिवांगी दिखाएगी, रुक जाओ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग, आशा है अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस समय मैं मन्नू के साथ बना रही हूँ वीडियो, मन्नू जो है वो शरारत कर रहा मेरे साथ। और अभी मैंने आपको दिखाया था, हम लोग गए थे वी बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट गए थे, वी बाज़ार से तो हम वापस आ गए थे, फिर हम विशाल मेगा मार्ट गए थे, बारिश होने लगी थी रास्ते में, उसके बाद ये सामान लेके आए। सामान तो लाए हैं, मैंने आपको बताया कि सिया का मुंडन है कल, तो हम उसको दो जोड़ कपड़े देंगे, एक जोड़ हनी को देंगे, और रक्षाबंधन भी है। तो प्रिया को तो साड़ी मैंने मंगा दी पहले ही, तो साड़ी उसी के पास है, तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, दिखाऊंगी कल वो पहनेगी शायद, तब तो आप लोग देखिएगा। और ये जो है हन्नी के मन्नू का कपड़ा, ये हन्नी का खिलौने का निकाल दिया इनने, वो हॉकी स्टिक सी जो होती है ना, उसमें बॉलें लगी होती हैं, वो है जो गोल्फ खेलने की स्टिक होती है, इसने खोल लिया उसका भी सामान। और ये सिया के कपड़े आप लोगों ने देख लिए, कैसे लगे आप लोगों को बताइए। और ये जो है ये देखो अब पतीली लेके घूम रहा है, ये कोई चीज़ छोड़ता नहीं है, पतीली इसके मतलब कि नहीं है। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी को अगर आपको अच्छी लगती है और आपको किसी को दिखाना चाहते हैं तो, और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, अनसब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं देखते, सब्सक्राइब करने का कुछ जाता नहीं है, ये आप लोगों को पता है, टारगेट होता हम लोगों को, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चलिए अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिए आप लोग, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा राम राम, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।